अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआश किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खुश बाश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बड़े ही मज़े की सब्जी की रेसिपी, जो है लौकी की। लौकी के साथ हम बनाएंगे दाल को। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़े मज़े का लगता है, बड़ी ही फेवरेट है, सबकी फेवरेट होती है लौकी। तो आज आप इसे मेरे स्टाइल से देखेंगे कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ, ठीक है? फिर चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ, बताती हूँ इसमें क्या क्या यूज़ होगा। आइए चलते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको देखने को फौरन मिल जाएगी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो लौकी दाल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? लौकी हमें चाहिए 1 किलो। इसमें दाल जाएगी तकरीबन 300 to 350 grams। 1000 grams हमारे पास अगर ये लौकी है तो 350 grams हमारे पास दाल, टमाटर 3, अदरक का ये टुकड़ा थोड़ा सा और मैं ले लूँगी, 3 सब्ज मिर्चें, प्याज हमारे पास है मीडियम में, तकरीबन हमारे पास 3 प्याज हैं, लहसुन हमारे पास है पूरा, जैसा पोटली होती है ना लहसुन की, वो मैंने पूरी छील ली हुई है, ठीक है। लौकी दाल कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का। लौकी वैसे भी सुन्नत नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो उस नस्बत से भी हमें बहुत पसंद है और वैसे भी पसंद है, तो इसको ऐसे कभी कहना भी नहीं चाहिए कि मुझे लौकी या कद्दू पसंद नहीं है। बस नहीं खाते तो यूँ कहते हैं कि नहीं, दिल नहीं चाह रहा, ऐसे ना कहें कि पसंद नहीं है, क्योंकि सुन्नत नबी है तो पसंद ही है ये सब्ज़ी और बनती भी बहुत मज़े की है। अच्छा, स्पेशल क्या है कद्दू दाल में? स्पेशल ये है क्योंकि मैं बना रही हूँ, इसलिए स्पेशल। हर एक का तरीका अपना अलग अलग है, मेरा तरीका भी देखें मैं किस तरह बनाती हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्पेशल कहूँगी क्योंकि ये मेरे तरीके की है। तो जनाब साहब, अब हम डालते हैं, शुरू करते हैं। कुकर में बना रही हूँ मैं, कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ कि दाल के लिए कुकर लगाना ही है ना, तो दो दो जगह हाँ हमने क्या बनाने, एक ही जगह बना रही हूँ, सही है। मैंने ये 2 चम्मच डाल लिया ऑयल के, चूल्हा मैंने पहले ही चलाया हुआ था, चूल्हा कर लिया तेज़। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मैंने आपको बताए थे प्याज, 2 मीडियम थे, एक छोटा था प्याज, इतना सा था प्याज मेरे पास, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज को करेंगे हम गोल्डन, ब्राउन नहीं करते सब्ज़ी में प्याज को कभी भी, बस गोल्डन ही रखते हैं, ठीक है। लाइट सा ब्राउन और गोल्डन कलर, बहुत ही लाइट ब्राउन यानी गोल्डन के हो, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको। देखिए हमारा प्याज ये गोल्डन हो गया। अब हम इसमें क्या डाल देंगे? इसमें हम पहले डालेंगे लहसुन अदरक डाल देंगे। ये देखिए ये जितना मैंने आपको बताया था ये मैंने कूट लिया। इसमें हमने इसको फ्राई करना, ठीक है। इसकी स्मेल आ गई मसाले में। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने प्याज टमाटर डाल देना, यानी हम इसका बेसिक सा मसाला तैयार करेंगे पहले। सॉरी, टमाटर और सब्ज मिर्च मैंने डाल दी, ठीक है। प्याज फ्राई किया गोल्डन, इसको गोल्डन ब्राउन सा किया। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक और टमाटर और सब्ज मिर्च, इसकी मैंने भुनाई करनी है। साथ भुनाई होते होते मैंने क्या करना है, ये मसाला जो आप देख रहे हैं, ये मसाले हैं, ये देखें, इसमें मेरे पास है नमक, ये मेरे पास आ गया 1.5 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और साथ में सूखा धनिया, सूखा धनिया भी मेरे पास है 1 टीस्पून, ठीक है। ये सारा हम साथ ही डाल देंगे, जैसे जैसे टमाटर पानी छोड़ेगा ये भी इसमें भुनाई सी होती रहेगी, इसलिए हम भुनाई सकते हैं इसको। फिर हम इसमें भूनेंगे लौकी, सब्जी को भून लेंगे, मसाला ये रखें भून गया, साइड में छोड़ दूँगी मसाले में। अब हमने क्या करना है, सब्ज़ी मैंने काट ली और लौकी की सब्ज़ी, और मैंने दोबारा धो लिया, पहले भी धो लिया था, काट के भी धो लिया। इसमें हमने इसको भूनना है तकरीबन 6 से 7 मिनट आप भुनाई करेंगे इसकी, अच्छी सी सब्ज़ी को भी ज़रा सा कलर आ जाए, इतनी देर आप इसकी भुनाई करेंगे। ये बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है दाल के साथ, चने की दाल के साथ ये बनाए, बच्चों को भी सब्ज़ियों की तरफ लेके आए कि वो भी शौक से खाएँ, जो जायका बच्चों को पसंद है। अगर अचार का पसंद है तो सब्ज़ी में थोड़ा सा अचार का मसाला डाल दें, मेथी दाना डाल दें, उसके साथ आप इसमें थोड़े से अजवाइन ऐड कर दें, इस तरह करके कलवंजी ऐड कर दें, इस तरह करके बच्चों को इन चीज़ों की तरफ, खासतौर पर सब्जियों की तरफ रागत करें। इसकी हम 5 से 6 मिनट भुनाई करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखें ये लौकी जो है वो भून गई है, 6 से 7 मिनट इसकी भुनाई होगी। अब हमने ये दाल, दाल का पानी उतार लिया, इसको हमने इसमें डाल देना, ठीक है। इसकी दाल को भुनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक।
इसको हमने एक दो बस ऐसे चम्मच हिलाए और अब हमने इसको गलाना है। गलाने के लिए हमें क्या करना है, पानी डालना पड़ेगा। पानी कितना डालना है ये देखिए, पानी इसमें खुला डलता है। ये चने की दाल इतनी जल्दी नहीं गलती, मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि ये ज़रा देर में गलती है। तकरीबन इसमें 3 से 4 ग्लास पानी के जाएंगे। अगर तो आपने सुबह की भिगोई हुई है तो 3 ग्लास भी बहुत हैं। अगर मेरी तरह आपने आधा घंटा पहले भिगोई है तो इसको तकरीबन 3 से 4 ग्लास ही है। और ग्लास कौन से, वो लस्सी वाले ग्लास नहीं जो बाज़ार में मिलते हैं, मैं इन ग्लास की बात कर रही हूँ, जो छोटे से ग्लास शीशे के होते हैं जो घर में आप आमतौर पर पानी के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें इतना कि ये देखें, ये सब कुछ तैर रहा है इसमें, ये 4 ग्लास हो गए। अब इसको हम इसका चूल्हा इसको ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन को वेट, और वेट चलेगी कम से कम भी ये 10 से 15 मिनट के दरमियान। मैं चलाती हूँ इसकी वेट 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी और फिर आपके सामने लेके आती हूँ कि इसकी क्या लुक आई। ये देखें 15 मिनट जब वेट चलेगी, मैंने इसको अब खोल लिया। ये देखो जी वेट को उतारा और अब ये देखें, अब मैं इसका ये जो थोड़ा बहुत पानी रह गया इसको मैं ड्राई करती हूँ। साथ ही स्टेज पे मैं क्या डालूँगी इसमें, मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच ये देखें चाट मसाला है। चाट मसाले के साथ ही मैं इसका ये जो बाकी का पानी है इसको खुश कर लूँगी। गिलावट देख लेंगे इसकी गिलावट होगी या कि नहीं, गिलावट बहुत अच्छे से हो गई है दाल की। चले मैं अब इसका पानी खुश करती हूँ। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये देखें बाज लोग किस तरह बनाते हैं इस स्टेज पे, बस उनकी तैयार होती है। बाज लोग ज़रा इसमें ग्रेवी शोरबा वो रखते हैं। मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी, बिल्कुल ड्राई नहीं कर दूँगी, थोड़ा सा इसको ड्राई करती हूँ। चाट मसाले के साथ इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाती हूँ, उसी में इसको दम दे दूँगी और फिर लास्ट स्टेज पर आपसे मिलती हूँ। देखें चाट मसाले के साथ हमारी सब्ज़ी पक गई और साथ में इसको दम भी आ गया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी मिलेगी, ठीक है। हमने एक प्लेटर ले ली, आप सर्विंग बाउल ले लें, जो भी आपने लेना है उसमें आपने ये डालिए। इसमें देखें आपको कद्दू भी नज़र आ रहे हैं थोड़े से, मैंने इसको बिल्कुल चंकी नहीं किया था, थोड़ा सा बड़ा काटा था मैंने कद्दू को, लौकी को, ठीक है, कि वो नज़र भी आ रही है दाल में, दाल के साथ इसको नज़र आना चाहिए। एंड पे हमने क्या करना है ये देखें, हमने इसमें डालना है, सबसे पहले हम इसमें लेमन स्क्वीज़ करते हैं। आपने इसमें लेमन स्क्वीज़ किए, ज़रा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा, मज़े का लगेगा। आपने ये 1.5 लेमन मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला हरा धनिया, हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि मैंने चाट मसाला डाल दिया था, तो गरम मसाला ऑप्शनल है। बिल्कुल ज़रा सा यानी 1/4 टीस्पून मैं इस टाइम गरम मसाले का डाल लूँ, इससे ज़्यादा नहीं, चाट मसाला था फिर ज़्यादा ही ये मसाले हो जाएंगे। अब मैंने इसमें ज़रा सी डाली सब्ज़ मिर्चें फॉर गार्निशिंग, ठीक। अब आपकी ये जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी भी नज़र आई है, नहीं हो कि गार्निशिंग में जो चीज़ आपने बनाई है वही सारी गायब हो जाए। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा दी, थोड़े से मैंने टमाटर के चंक्स इसके ऊपर लगा दिए, प्याज भी आप थोड़ा सा डालें, मैं सब्ज़ी के साथ प्याज ऊपर थोड़ा सा लाजमी डालती हूँ, आप ज़रूर डालें। अब मैंने इसमें क्या करना है, इसमें हमने इसको मज़ीद मज़े का बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसमें ये देखें ये देसी घी है, ये घर का बना देसी घी है, ऊपर ये डाल देना है। ये गर्म है सब्ज़ी, ये खुद ही इसमें मेल्ट होता रहेगा, देसी घी डाल दिया, देसी घी से इसका बड़ा ही मज़े का कोई टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। देसी घी के साथ हमने ये एक गार्निशिंग के लिए हमने लगा दिया इसमें 1 लेमन। तो अभी आप ये चेक करें, आपने इसी रेसिपी से इसको बनाना है और मुझे बताना है कमेंट्स में ये कैसी लगी आपको बना के। तो अब इजाज़त लेने का आपसे टाइम आ गया है, अब मैं चलती हूँ। दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।